वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं या उन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। वे शब्द जो भिन्न होते हुए भी किसी एक अर्थ को स्पष्ट करते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समानार्थी से ही शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग सही नहीं हो सकता। वाक्य की आवश्यकता अनुसार उचित शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो चलिए इसी का एक उदाहरण देखते हैं। तो अभी हमने कहा कि प्रत्येक स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग सही नहीं हो सकता। जैसे इस वाक्य में माँ ने बच्चों को नरेश रानी की कहानी सुनाई। नरेश जो है वो नरेश शब्द वाक्य की आवश्यकता को पूरी ना करने के कारण अटपटा लग रहा है। तो नरेश का समानार्थी शब्द क्या होता है? राजा। तो अगर हम यहाँ पे उसका समानार्थी शब्द राजा लिखे तो ये वाक्य सुनने में अच्छा लगेगा। माँ ने बच्चों को राजा रानी की कहानी सुनाई। तो इसीलिए कहा गया है कि समानार्थी शब्द को स्थिति देखकर उसको वाक्य में प्रयोग किया जाता है। अब पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, तथापि उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। उदाहरण के लिए दिन के पर्यायवाची शब्द हैं दिवस, वार, दीवा। तो इनका प्रसंग अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे दिन का प्रयोग मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, ये दिन का प्रयोग हुआ। और अब दिवस का प्रयोग, हमने बाल दिवस पर मिठाई बाटी। अब वार का प्रयोग, हाँ रविवार को घूमने जाएंगे। उसी प्रकार अब दीवा का प्रयोग, दीवा स्वप्न
सीखने वाले पीछे रह जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दिन का पर्यायवाची दिवस, वार और दिवा इन वाक्यों से स्पष्ट हो रहा है कि सभी पर्यायवाची शब्द सभी जगह उपयुक्त नहीं होते, इसलिए उनका प्रयोग प्रसंग और वाक्य के अनुसार करना चाहिए। जिस प्रकार इसमें एक पर्यायवाची शब्द है लेकिन अलग अलग प्रसंग के अनुसार उपयोग हुए हैं। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर दिन, हमने बाल दिवस पर मिठाई बांटी, यहाँ पे दिवस, हम रविवार को घूमने जाएंगे, यहाँ पे वार, दिवस स्वप्न देखने वाले पीछे रह जाते हैं और यहाँ पे हमने देखा दिवा। तो समानार्थी शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जैसे कमल को हम पंकज, जलज, नीरज, राजीव और अरविंद भी कहते हैं। तो कमल को जलज, नीरज, पंकज, अरविंद या राजीव किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। तो इन सभी शब्दों का अर्थ समान होता है, इसलिए इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलिए कुछ पर्यायवाची शब्द देखते हैं। अग्नि, पावक, दहन, हुताशन, आग, अनल, असुर, रजनीचर, निशाचर, निशिकर, राक्षस, दैत्य, अश्व, वाजी, सैंधव, है, घोटक, तुरंग, घोड़ा, अनुपम, अनूठा, अतुल, अद्वित्य, अद्भुत, अपूर्व, अनोखा, आकाश, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, गगन, नभ, नभ, व्योम, आकाश, आम, पिगबंधु, आम्र, सहकार, रसाल, अमृतफल, आनंद, आह्लाद, उल्लास, सुख, हर्ष, आमोद, प्रमोद, आदमी, मनुष्य, मनुज, नर, पुरुष, मानव, अमृत, सोमरस, पीयूष, सुरभोग, सोम, सुधा, अमीय, कमल, राजीव, अरविंद, पंकज, नीरज, जलज, आंख, दृग, अक्षी, लोचन, नयन, नेत्र, अचरज, कौतुक, विस्मय, कुतूहल, अचंबा, आश्चर्य, इंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, देवराज, सुरपति, पुरंदर, देवेंद्र, इच्छा, लालसा, आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, चाह, कृष्ण, गोपाल, गिरिधर, मुरारी, बनवारी, कन्हैया, केशव, किरण, रश्मि, मरीचि, मयूख, ज्योति, कर, अंशु, कपड़ा, अंबर, वसन, वस्त्र, पट, चीर, किनारा, कुल,
पुलीन, कगार, तीर, तट, गणेश, गणेश, लंबोदर, विद्रनाशक, गजवदन, गजानन, विनायक, एकदंत, गंगा, भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, जाह्नवी, देवनदी, नदीश्वरी, देवपगा, घर, गृह, निवास, भवन, सदन, निकेतन, धाम, निकाय, आगार, आलय, चंद्रमा, शशि, राकेश, विधु, इंद्र, सुधांशु, सुधा, जल, जीवन, अमृत, नीर, सलील, उदक, पानी, अंबु, झंडा, ध्वजा, केतु, ध्वज, पताका, तलवार, करवाल, कृपाण, खड़क, असी, तालाब, तणांग, सरोवर, सर, ताल, जलाशय, पोखर, देवता, अमर, देव, सुर, वसु, त्रिदश, निर्जर, देह, शरीर, काया, बदन, तन, अंग, नदी, सरिता, सलिला, तरंगिनी, तटिनी, निर्झरिणी, नौका, नाव, तरिनी, डोंगी, जलयान, पवन, हवा, वायु, वात, समीर, अनिल, पत्नी, गृहिणी, वधु, अर्धांगिनी, भार्या, बहु, पति, बल्लभ, भर्ता, स्वामी, प्राणनाथ, पर्वत, भूधर, पहाड़, आद्री, तुंग, नग, गिरी, महिधर, अचल, शैल, पुत्र, तनुज, लड़का, आत्मज, सूत, बेटा, तनय, पुत्री, आत्मजा, लड़की, तनुजा, दुहिता, बेटी, सुता, तन्या, पृथ्वी, वसुधा, वसुंधरा, ईला, धारिणी, धरित्री, धरती, धरा, भू, पुष्प, पुहुप, प्रसुन, कुसुम, सुमन, फूल, बादल, जलधर, पयोधर, घन, पयोद, मेघ, बिजली, दामिनी, सौदामिनी, क्षणप्रभा, तड़ित, विद्युत, चंचला, चपला, भौरा, भ्रमर, मधुकर, मधुप, भौंरा, मछली, मीन, मत्स्य, मकर, मेष, जलरानी, महादेव, शंकर, चंद्रशेखर, त्रिलोचन, महेश्वर, पशुपति, शिव, माता, अम्बा, माँ, जननी, मैया, अंबिका, धात्री, रात्रि, यामिनी, विभावरी, रजनी, रैन, निशा, रात, राजा, सम्राट, नरपति, नरेश, महीपति, महीप, भूप, नृप, वन, अरण्य, कानन, जंगल, विपिन, वसंत, ऋतुराज, ऋतुपति, मधुऋतु, मधुपति, कुसुमाकर, वृक्ष, तरु, द्रुम, पेड़, विटप, पादप, सरस्वती, वाणी, गिरा, वीणापाणी, शारदा, भाषा, भारती, समुद्र, सागर, सिंधु, रत्नाकर,
Jaladi, Nadish, Warid, Singh, Sher, Vanraj, Kesri, Nahar, Sure, Dinkar, Prabhakar, Bhaskar, Bhanu, Surya, Suraj, Saap, Vishdhar, Bhujang, Sarp, Vyal, Nag, Sona, Swan, Kanak, Kanchan, Hem, Stri, Nari, Mahila, Vanita, Aurat, Vama, Sugand, Mahek, Khushbu, Suvas, Saurabh, Shatru, Bairi, Dushman, Ripu, Hath, Kar, Pani, Hast, Hathi, Gaj, Gunjar, Matang, Hasti, Vitund, Hiran, Mrig, Sarang, Kurang, Agni, Aag, Anal, Pavag, Jwala, Andhkar, Timir, Andhera, Tam, Tamistra, Ishwar, Ish, Bhagwan, Paramatma, Parameshwar, Prabhu, Udyan, Bag, Bagicha, Fulwari, Upwan, Chatur, Patu, Sayana, Kushal, Yog, Praveen, Talwar, Asi, Khadak, Samshir, Karwa, Anupam, Aditve, Anokha, Adbhut, Apurv, Anne, Bhin, Prithak, or Dusra, Atiti, Abhyagat, Agantuk, Mehman, Pahuna, Unnati, Uthan, Vikas, Pragati, Utkarsh, Komal, Mridu, Mulayam, Naram, Nazuk, Dukh, Kast, Shok, Vyatha, Vedna, Pida, Din, Divas, Vasar, Var, Diva, Nokar, Sevak, Das, Paricharak, Vritti, Mitra, Meet, Sakha, Sahachar, Dost, Suhirde, Balak, Bacha, Shishu, Ladka, Bal, Sharir, Deh, Tan, Tanu, Kaya, Yudh, Ran, Sangram, Ladai, Sangharsh, Samar, Raja, Naresh, Prajapati, Nrip, Bhup, Samrat, Samu, Jhun, Toli, Gan, Dal, Samudai, Krishak, Kisan, Khetihar, Krishijivi, Halvaha, Dust, Durjan, Adham, Neech, Khal, Kutil, Pakshi, Khag, Chidiya, Davij, Patang, Vihag, Badal, Ghan, Jalad, Jaldhar, Meng, Payod, Mukti, Moksh, Nirvan, Parampad, Sadgati, Mrityu, Nidhan, Maran, Moth, Dehavasan, Singh, Sher, Hari, Kesari, Vanraj, Mrigraj, Sundar, Khubsurat, Manohar, Lalit, Ramniye. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को।